सो गाइस, इस वीडियो में हम ग्लोबल फ्रीज के चैप्टर नंबर 273 और 278 को एक्सप्लेन करेंगे। सो ऐसे ही एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो चैप्टर की शुरुआत जनरल से होती है, जहां जनरल की सबोर्डिनेट जनरल से कहती है, कैप्टन इसके पास जरूर कुछ पावरफुल प्लान होगा, इसकी बातों में मत आना, हम इन लोगों से डायरेक्टली फाइट करेंगे। जनरल सोचता है जीएस ने क्लियरली बोल दिया है, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ तो है। उसकी साइड और उसके अपोजिट साइड एलियन है जो अपना साइज बढ़ा सकता है और स्नो आइस को भी कंट्रोल कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो म्यूटेंट क्रिएचर है और हम इंटेलिजेंट के मामले में काफी पीछे हैं, और ये डेंजरस हो सकता है बिना अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ जाने उससे फाइट करना। पर जनरल इतना सोचने के बाद कहता है, ठीक है मैं तुमसे करूंगा 1-on-1 फाइट, इस हालत में मैं अपने और भाइयों मरने नहीं दे सकता। जीएस कहता है, फाइट करने के लिए लोकेशन वहाँ माउंटेन पर ठीक रहेगा, तुम्हारा क्या कहना है? और दोनों साइड के लोग बस फाइट को देख सकते हैं, फाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जनरल कहता है ठीक है। फिर एक गर्ल कहती है, टीम लिंग फ्रॉड से केयरफुल। जनरल कहता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे हम लोकेशन पर आते हैं और गर्ल कहती है, सभी ट्रिक्स और साजिशों का कोई मतलब नहीं होगा जब सामने इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ हो। जनरल सोचता है सामने वाला एनिमी प्रिपेयर नहीं होगा तो क्या ये एक तरफा फाइट नहीं होगी? फिर जुआओ कहता है, ब्रदर जीएस वहाँ फाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पक्का पता है कुछ नहीं होगा। तभी ये गर्ल कहती है, राइट, वैसे भी हमारे दोनों लीडर्स ऑलरेडी एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, और मैं एक सीक्रेट भी तुमको बता सकती हूँ। क्या तुमको पता है कुछ एलियन के पास उनको निगलने की भी एबिलिटी होती है? तुमको देखकर लग रहा है तुमको नहीं पता है। ओके, मैं तुमको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देती हूँ फ्री में। ये एबिलिटी काफी कम, मतलब बहुत एलियंस के पास होती है, जो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वीक लोगों की पावर खा सकते हैं। फॉरेन एक्शन के दौरान हमारे कैप्टन ने खुद उनमें से 3 एलियंस को मार दिया था उनकी पावर चुराने के लिए, जिससे वो अपनी एबिलिटी और पावरफुल कर सके। बाकी सबसे वो जीएस सिंपली मरने वाला है। तभी जुआओ कहता है, नहीं बॉस, फाइट नहीं हारेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर गर्ल कहती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? फिर जुआओ बोलता है, क्योंकि हमारे बॉस ही बॉस हैं, तुम अपनी जान रिस्क में मत डालना। फिर गर्ल बोलती है, ये क्या रीजन हुआ? तुम बस देखो, यहाँ हमारे कैप्टन लिंग डेफिनेटली वापस आएंगे उसका सर लेकर। फिर आगे जीएस बोलता है, क्यों, क्या फाइट करना जरूरी है? तुमको पता है मैं कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ और मेरी एबिलिटी ज्यादा सपोर्टिव है। फिर जनरल कहता है, नहीं आज तुमको यहाँ मरना ही होगा। फिर जीएस कहता है, मैं इस पॉइंट पर नहीं जाना चाहता था, तुम ही हो जिसने मुझे मजबूर किया है, बल्कि मैंने पास्ट में एक ड्रीम भी देखा था, मतलब वर्ल्ड के एंड में। फिर जनरल गुस्से में कहता है, क्या तुम इतना परेशान करना बंद करोगे? यहाँ टाइम पास करने से कुछ चेंज नहीं होगा, तुमको यहाँ मरना ही होगा। फिर जीएस कहता है, ठीक है फिर मैं होप करता हूँ अगर मैं मर गया तो तुम मेरे फ्रेंड्स को जाने दोगे, वो सभी इनोसेंट हैं। फिर जनरल कहता है, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ इनको कोई हार्म नहीं होगा, और मेरी कैट, अगर तुम उसको खाना नहीं चाहते तो जस्ट उसको जाने दो, मे बी मेरे फ्रेंड्स कैट को भी पाल लेंगे। फिर जनरल कहता है, बात बहुत हो गई, क्या तुम एक बूढ़ी औरत हो? चलो फाइट स्टार्ट करो। फिर फाइट स्टार्ट होती है और जीएस कहता है, स्पीड 4 times। जीएस अपनी एबिलिटी को यूज करता है। फिर जनरल कहता है, क्या तुमको लगता है ये ट्रिक अभी भी वर्क करेगी अगेंस्ट मी? मैं समझ गया हूँ तुम्हारा अटैकिंग मेथड और तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल। जनरल डॉच करके सोचता है, जब तक मैं डायरेक्शन फास्टली चेंज करता रहूंगा तभी ये मिलिट्री ड्रोन मैं तुम्हारे दिल में चुबा पाऊंगा। तभी जीएस आसमान में एक पोर्टल खोलता है और उसमें से एक ट्रक जनरल के ठीक ऊपर गिरता है, बट जनरल इसको डॉच कर लेता है और जनरल सोचता है इसकी सुपर पावर में ऑब्जेक्ट फेंकने की भी एबिलिटी है। फिर जीएस कहता है, ये तो बस एक शुरुआत है। फिर जीएस सभी बैरिकल्स को निकालता है और सोचता है, ये सभी मैंने फ्री टाइम में कलेक्ट की थी और मैंने प्लान किया था इनको निकालने का जब इनका सही टाइम होगा, और अब इनको यूज करने का सही टाइम है और ये परफेक्ट है लोगों को मारने के लिए। जनरल सोचता है, इन सभी को डायरेक्टली अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तभी जनरल अपने ब्लेड से सभी को बीच में से काट देते। जीएस बोलता है, क्या ब्लेड है, चलो इसको कंटिन्यू रखते हैं। और फिर जीएस हैमर ब्लेड कुछ भी जो हाथ में आ रहा है वो निकाल कर जनरल पर अटैक करता है और जनरल इन सभी को डॉच कर लेता है और कहता है, क्या तुमको लगता है मुझे इनसे कोई हार्म होगा? जीएस कहता है, अगर ये बात है तो किस चीज से ढिप रहे हो? तभी जीएस कार फेंकता है जनरल की तरफ, बट जनरल कार काट देता है। जनरल सोचता है, ये घटिया बैरियर की वजह से मैं अपना फायर आर्म यूज नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे इसके पीछे जाकर क्लोज कॉम्बैट में फाइट करना पड़ेगा। अगर मैं जीएस के 3 meter क्लोज हो गया तो मैं जीएस को एक पल में मार सकता हूँ। तभी जीएस जनरल के मुंह पर लेडीज क्लोथ्स फेंक देता है। फिर जनरल कहता है, ये शर्मनाक बात है, तुम टाइम को डिले कर रहे हो, वो भी ऐसी चीजों से। जीएस कुछ भी फेंक कर मार रहा है, पहले गाड़ियां, फिर एमआर ब्लेड कपड़े और अब लकड़ियां और टैंक फेंकता है। जनरल सोचता है, नॉट गुड, अगर इन टैंक में
गैसोलीन हुआ तो ये ओनली मुझे देखने में अफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ जीएस को चांस दे देगा इनको जलाने के लिए। जनरल भागने लगता है बट थोड़ा बहुत गैसोलीन जनरल के कपड़ों पर गिर जाता है। फिर तभी जीएस गन निकाल कर गैसोलीन पर शूट कर देता है जिससे आग फैल जाती है और ये चैप्टर यहीं एंड होता है। सो गाइस चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है और वीडियो में बस इतना ही। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही एक्सप्लेन वीडियो के लिए।